नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिवार वालों ने घर पर जांच के लिए आए दरोगा को ही बंधक बनाकर पीट डाला। इसके बाद उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वे लोग यही नहीं रुके, लड़की की बड़ी बहन को भी कमरे के अंदर भेजा। फिर दरोगा को फंसाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि दरोगा उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। वहीं दरोगा उसे ये सब करने से रोकता रहा। इसी बीच दरोगा के साथ आए सिपाही ने किसी तरह पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और दरोगा को छुड़वाया। मामला ककवन इलाके का है। जानकारी के मुताबिक यहां एक लड़की 3 दिसंबर को अपने प्रेमी विवेक के साथ भाग गई। फिर उसी दिन उसने विवेक के साथ लव मैरिज कर ली, लेकिन उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए नवविवाहित दंपति ने कोर्ट में अपनी शादी के कागजात दाखिल किए। कोर्ट ने दोनों की शादी को मंजूर कर लिया। दंपति ने कोर्ट पर यह भी बताया कि उन्हें लड़की के घर वालों से जान का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि विवेक उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, लेकिन दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि लड़की नाबालिग है। इसी को लेकर जब पुलिस लड़की का आधार कार्ड लेने घर पहुंची तो उल्टा परिवार वालों ने दरोगा गर्वित त्यागी और सिपाही से बदसलूकी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वे लोग उनकी बेटी को कैसे भी करके वापस लाएं। परिवार वालों ने फिर गुस्से में दरोगा को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि उन्हें सिपाही ने फोन करके बताया कि लड़की घर वालों ने दरोगा से मारपीट की है और उसे बंधक बना लिया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दरोगा को छुड़वाया। फिलहाल मामले की जांच के लिए ADCP और ACP की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ताज़ा अपडेट के लिए वीरी टीवी उत्तर प्रदेश से जुड़े रहें। नमस्कार।